सो अब हम आ गए हैं ट्रैफलगर स्क्वायर, ये इनका बहुत ही फेमस एक पॉइंट है वेस्टमिनिस्टर के पास सेंट्रल लंदन में ही। मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैं आया था ना, तब यहाँ पे कुछ रेनोवेशन चल रहा था। आज बढ़िया लग रहा है देखने में, लास्ट टाइम थोड़ा ढका वका हुआ था, कुछ रेनोवेशन चल रहा था। एनीवे ये इनकी कुछ वॉर वगैरह हुई थी बहुत सालों सदियों पहले, उसके बाद ये स्क्वायर बनाया था। अब पता नहीं क्या वॉर थे, मुझे इतना याद नहीं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है ये। और यहाँ पे अभी आज ना क्रिसमस ट्री ओपनिंग भी है, तो मतलब फर्स्ट क्रिसमस ट्री लगने वाला है यहाँ पे। तो ये वाला ट्री लगाया, इसकी ओपनिंग थी, काफ़ी भीड़ थी अभी यहाँ पे, अब जाके थोड़ा खाली खाली हुआ है। माना तो यहाँ नीचे उतरने की हालत नहीं था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी बीच में, तो इसलिए। बट काफ़ी बड़ा ट्री लगाया है, काफ़ी सुंदर भी है। यानी एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज ना इतना सजाया नहीं है, सिर्फ लाइट्स लगा रखी हैं। और जगह पर तो लाइट्स लगाते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह डाल देते हैं, और भी कुछ लटरम पटरम लगाते रहते हैं, बट ये वाला नॉर्मल सा लग रहा है। वो दिख रहा है सामने लाइट मार रहे हैं यहाँ ऊपर, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रैफिकल ट्री लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। व्हेन नॉर्वे वाज इन्वेडेड बाय द नाजीज इन 1940, द किंग ऑफ नॉर्वे। और चलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ क्रिसमस मार्केट यहाँ की, जो है सामने ही। एक यहाँ भी लगी है ऊपर, और एक आगे भी लगी है। आ गए हम लेस्टर स्क्वायर, बहुत ही फेमस स्क्वायर है यहाँ का, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस वगैरह हैं। यहाँ पे लगी है क्रिसमस मार्केट अच्छी वाली, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होगी देखने में। और आज फ्राइडे है ना, काफ़ी चहल पहल है, भीड़ भड़ाका बहुत है। अरे अंकल हट जाओ यार, सामने चल रहे, जगह नहीं दे रहे जाने की। बड़े फेमस हॉट डॉग बन रहे हैं, मतलब एक हॉट डॉग कम से कम नहीं, कम से कम एक फुट का तो होगा, तो काफ़ी बड़े बड़े हॉट डॉग बनते हैं ये। मैंने कहा था ना ये वाली मार्केट ज़्यादा अच्छी होगी, वो वाली तो बड़ी सिंपल सिंपल सी थी, बट ये वाली काफ़ी वैरायटी वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं ना, जितने भी, उनमें से कम तीन या चार में मैंने अपने देसी भाई देखे, तो काम हम कर रहे हैं। मतलब ये सामने मेरे भी शॉप है, अब मैं आगे जाके वीडियो में रहूँगा, अच्छा लगता। यहाँ भी हमारा एक देसी भाई काम कर रहा है, अपने देसी भाई बहुत हैं यहाँ पे, जो सारे शॉप्स में काम हम कर रहे हैं। सामने मैं हॉट डॉग की शॉप पे गया था, वहाँ भी अपने सारे देसी भाई थे। फिर पीछे एक बर्गर की शॉप थी, वहाँ भी। फिर एक फ्रूट्स की शॉप थी, वहाँ भी। क्रिसमस मार्केट में आधे से ज़्यादा तो अपने देसी भाई बंधु ही हैं। ओए गाइस, ये था अभी हमारा कैफ़े वाला सफ़र, वहाँ से मैं निकला। एक्चुअली होता क्या होता है, वहाँ मैं लंबी ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि पीछे गाना बज रहा होता है, और जब गाना बजता है ना तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब पे, मतलब जिसको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। क्रिसमस मार्केट के बगल में ना ये वाला कैफ़े था, तो मैं बहुत ऐसे वॉक कर रहा था, मुझे लगा कि चलो कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कॉफ़ी ब्रेक लिया। लेकिन मैंने देखा ये तो मतलब कैफ़े तो लग ही नहीं रहा, ये तो क्लब टाइप फीलिंग आ रही है, और उस टाइम सिर्फ 8 बजे थे, तो टाइम भी ऐसा कुछ लेट वेट भी नहीं था, बट स्टिल आई थिंक वो वीकेंड का टाइम है, तो शायद इसलिए सारे ऑफिस वाले आए होंगे वहाँ पे, क्योंकि आज तो सारे ऑफिस ही हैं। वो ऐसा देखने में लग रहा हुआ क्लब है, लेकिन क्लब था नहीं, नॉर्मल कैफ़े था। तो मैं थोड़े से वहाँ बैठा, कॉफ़ी वगैरह पी, हमारा साइट सीइंग वाला पूरा टूर हो गया है। अब चलते हैं वापस घर की ओर, अभी यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट घर की तरफ निकलेंगे। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।